छत्तीसगढ़ में 32 मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया और सरकार से आमने सामने की लड़ाई अब लड़ी जा रही है। पिछले 5 दिनों में पटवारी संघ ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। वही सरकार ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे साफ है कि जिस तरह से मांगे पूरी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, शायद सरकार उसे जायज नहीं मानती। बिलासपुर में भी पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसमें शामिल पटवारी ने राजस्व कामों से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भुइयां ऐप की कमियों के बारे में बताया। उनका कहना है कि इसमें लगातार बदलाव होते हैं, जिससे काम करने में बड़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा कुछ उच्च अधिकारी भी काम को लेकर दबाव बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ जो है वो विरोध कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। बिलासपुर में भी ऐसी कमोवेश स्थिति बनी है और पिछले 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन चल रहा है, किस कारण हो रहा है हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष है, उनसे जानना चाहेंगे, बताएंगे किस कारण आप लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारे जो आज हड़ताल का 5वां दिन है और प्रांत के निर्णय के अनुसार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं पटवारी की मूलभूत समस्या पे है। पटवारी जो मूलभूत समस्या है वो जब से पटवारी का सृजन हुआ है पद का, तब से आज तक कोई मूलभूत सुविधा नहीं दिया गया है। ना वहाँ पे कोई कार्यालय की सुविधा है, ना उस खसरा बीवन रिकॉर्ड को रखने के लिए कोई अलमारी की व्यवस्था किया गया है। साथ में उसको काम करने के लिए जब से इसको ऑनलाइन बनाया है, ना वो कोई कंप्यूटर है, ना कोई प्रिंटर दिया गया है। साथ में महिला पटवारी साथी भी लगभग हमारे ज़िले में 62 के आसपास हैं, कहीं पे कोई प्रसाधन की भी व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह पटवारियों की जो मूलभूत सुविधा है, जिसके लिए पद का सृजन हुआ है, उसका सुविधा आज तक मुहैया नहीं कराई गई है। यही मांग को लेकर हम लोग 32 कंडिकाओं में यह मांग को रखे हुए। पिछली बार भी आप लोगों की मांगे जो है रखी गई थी, पिछली सरकार में नहीं हो पाई, सरकार में भी क्या लग रहा है ये चीज़ पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, हमको इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जनहित ऐसी कार्य के लिए सुनाई पड़ता है कि डबल इंजन का सरकार है तो काम जो है अच्छे से होगा करके। उसी उम्मीद आस लगाए हुए बैठे हैं कि एक पटवारी जो है किसान हित ऐसी कार्य जो है शासन की योजना अंतर्गत गांव-गांव तक पहुंचाता है और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़कर जो रहता है, तो उसके लिए शासन जरूर करेगी। इस तरह की समस्याएं जो हैं वो ऐप्स में आ रही है और लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे को लेकर के अभी क्या वर्तमान की स्थिति है? सेक्रेटरी वगैरह किसी से बातचीत हुई है, प्रभारी मंत्री वगैरह किसी से चर्चा हुई है? ज्ञापन जब देने गए थे तो राजस्व मंत्री से बात हुई थी और उसके बाद फिर परसों के दिन में पूरे प्रांत के पदाधिकारियों को सचिव के द्वारा सूचना आया था और राजस्व सचिव से लगभग 2.5 घंटे के आसपास 32 कंडिकाओं पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाया है और जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ तक हड़ताल में बैठे हैं। इनका साफ ये कहना है कि हम लगातार जो है प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार से कोई पहल नहीं की गई और अब तक की स्थिति में ना सेक्रेटरी हो या प्रभारी मंत्री किसी से भी कोई अच्छी पहल या कोई साफ पहल नजर नहीं आई है, इसलिए लगातार ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो जारी रहेगी, जिसका खामियाजा शायद तहसील में गुजरने वाले लोगों को और साथ ही किसानों को अन्य लोगों को भी हो सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ उपेंद्र त्रिपाठी, अनादि टीवी, बिलासपुर।